आईफोन में ओल्ड वॉलपेपर कैसे लगाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है अपने आईफोन में पुराना वाला वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो है आईफोन का आईफोन XR है। आपके पास कोई सा भी आईफोन हो, चाहे आपके पास आईफोन 11, चाहे आपके पास आईफोन 12, 13, 14, 15, 16, जो भी है आपके पास, और उस पर आप जो है पुराना वाला वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपका जो आईफोन है उसका जो सेटिंग है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईफोन का सेटिंग ऐप इस तरीके से, और यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा डिटेल वगैरह मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा वॉलपेपर का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये जो करेंट में जो वॉलपेपर है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मेरा जो आईफोन है उसका जो कौन सा वर्जन अभी चल रहा है iOS का, तो उसके लिए यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि मेरा जो आईफोन है वो जो है कौन सा iOS पे अभी चल रहा है, उसके हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको पुराना वाला वॉलपेपर कैसे यहाँ पे लगाते हैं वो बता रहा हूँ करके। अभी का जो टाइम है दोस्तों वो जो है 2023 का है लगभग, ठीक है। और 2023 में अभी जो है आपको काफ़ी सारा यहाँ पर ऑप्शन मिल चुका है, जिसमें आप जो है थीम वगैरह को चेंज कर सकते हो, यानी कि वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। मेरा जो iOS है वो जो है 16.1 है, और यहाँ पे अगर मैं और अपडेट करूँगा तो मेरा जो iOS है वो जो है 16.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16.1 है मेरा, और यहाँ पे मैं आपको पुराना वाला वॉलपेपर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है पुराना वाला वॉलपेपर मिल जाएगा दोस्तों, तो वो आपको कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पुराना वाला वॉलपेपर हमको कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। ओके, तो यहाँ पे ऐड न्यू वॉलपेपर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारा वॉलपेपर है आपको मिल जाएगा, ये देखो अलग अलग। तो यहाँ पर हम पुराना वाला को ढूँढ रहे हैं दोस्तों, तो पुराना वाला वॉलपेपर कहाँ पर है चलिए मैं देख लेता हूँ। तो ये सब तो नया वॉलपेपर है आपको दिखाई दे रहा है ये सब, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुराना वाला जो वॉलपेपर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन ये वाला आ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कोई और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमको जो है वॉलपेपर के अलावा तो देख लेते हैं कहीं पर थीम वगैरह का ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे होम स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ये दूसरा ऑप्शन है, और यहाँ पे हमको जो है इसी पे ही मिलना चाहिए दोस्तों, मिलेगा तो ओके। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हुए वो हो रहा है कि हम जो है पुराना वाला जो थीम है उसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आ चुका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अगर आप जो है अपने आईफोन को अपडेट कर लिए होंगे और पुराना जो iOS है वो चला गया होगा और नया वाला iOS आ गया होगा, लगभग अगर आपका जो है iOS 12 आ गया होगा, तो वहाँ पे आपको जो है जो पुराना वाला वॉलपेपर है वो लगाने के लिए नहीं मिलेगा। तब आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने जो आईफोन है उस पर जो है कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, और यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे लिख लेना है आपका जो आईफोन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँगा, आप पढ़ सकते हो क्या लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सर्च कर दूँगा। क्लियर करो DSLR, बहुत ब्लर कर दिए हो, समझ नहीं आया होगा। ये देखिए मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है पुराना वाला जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे लिखा है, और इस तरीके से मेरा पुराना वाला जो वॉलपेपर था पहले था, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये इमेज है उसको यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा, ये देखिए। और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो आईफोन है उसका जो सेटिंग ऐप है उस पर जाके वॉलपेपर पर चले जाऊँगा, और यहाँ पे ऐड न्यू वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा और फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, ये देखिए इस पर, और यहाँ पे ये जो फ़ोटो है मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं मिलता है, आपका मतलब पुराना वाला वॉलपेपर नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना ब्राउज़र से, कोई सा भी आपको ब्राउज़र इस्तेमाल कर लेना है, और आप अपना जो पुराना वाला वॉलपेपर है इस तरीके से लगा सकते हो। आपको पुराना वाला वॉलपेपर सेटिंग ऐप पर पहले से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो डाउनलोड किया है और उसका इस्तेमाल किया है।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप जो है आर पे सेलेक्ट कर लो। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।